क्या आदिल ने जो आरोप आप लोगों को लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है, ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, पीएम से गुहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर पहले, क्योंकि आपको आरोप तमाम पते हैं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई, मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत, फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी, तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई, तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले कबूले के साथ साथ ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, ये मैंने आपको बताया। मैं शॉक हूं, यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ, किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गए, आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आपको बेगुनाह थे, छह महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसी 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे?